आइटम नंबर 24 श्री राहुल गांधी जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे लोकसभा में रीइंस्टेट किया। और पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया कि सीनियर नेता हैं, शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो उनको कष्ट हुआ, हमेशा अदानी पे अभी भी कष्ट हो रहा है। वो जो कष्ट हुआ, अभी भी कष्ट हो रहा है। विषय पे आइए, विषय पे। अभी भी कष्ट हो रहा है, अभी भी कष्ट हो रहा है। ये देखिए, ये सारे ये नहीं बैठो, मगर सुनिए, ये तो वो जो कष्ट हुआ, दो तीन चार पांच, उसका असर शायद हुआ। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो मेरा भाषण है, डरो मत। और आप स्पीकर सर, अरे ब्रदर, तो आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है, वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। डरिए मत। अरे रक्षा मंत्री जी, आज संभाल लेंगे हम लोग। पिछले साल 130 दिन के लिए मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया, अकेला
अकेला नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ। सर ये हमारा टाइम खत्म करने का साजिश है। समुद्र के तट से माननीय सदस्य प्लीज ऐसे धमकाने का बाकी मत बोलो। यहाँ पे प्लीज मैं समुद्र के तट से कश्मीर की बर्फीली पहाड़ी तक चला, नहीं लद्दाख को मैंने नहीं छोड़ा, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यात्रा जारी है और जरूर लद्दाख आएंगे, घबराइए मत। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा यात्रा के बाद कि राहुल तुम क्यों चल रहे हो, क्या तुम्हारा लक्ष्य क्या है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हो। और जब वो मुझसे पूछते थे शुरुआत में मेरे मुंह से जवाब नहीं निकलता, शायद मुझे ही नहीं मालूम था कि मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की। जब मैं कन्याकुमारी से शुरू हुआ, मैं सोच रहा था मैं हिंदुस्तान को देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, लोगों के बीच में जाना चाहता हूं, मगर गहराई से मुझे मालूम नहीं था। थोड़ी देर में मुझे बात समझ आने लगी। जिस चीज से मुझे प्यार था, जिस चीज के लिए मैं मरने को तैयार हूं, जिस चीज के लिए मैं मोदी जी की जेलों में जाने को तैयार हूं, जिस चीज के लिए मैंने 10 साल हर रोज गाली खाई, उस चीज को मैं समझना चाहता था। ये है क्या जिसने मेरे दिल को इतनी भाई आप रनिंग कमेंट्री बंद करो नहीं तो हम भी चालू करेंगे। सुनने का जिस चीज ने मेरे दिल को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था उसको मैं समझना चाहता हूं। शुरुआत में जैसे मैंने शुरू किया, सालों से मैं हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं, तो मेरे दिमाग में था कि अगर मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो 25 किलोमीटर चलने का क्या मतलब, कोई बड़ी बात नहीं, ये मैंने सोचा था। आज मैं उस भावना को देखूं तो वो अहंकार था।